गुड मॉर्निंग। आज 15 नवंबर है और सुबह का 5 बजे हम लोग फ्रेश होकर निकल गए हैं धारचूला की तरफ। आज एक नए डेस्टिनेशन पे जाते हैं जौल जीविका मेला देखने के बाद। कल बहुत अच्छा लगा, मौसम एकदम साफ है, चांद है, काफ़ी सारे तारे दिख रहे हैं और काली नदी की आवाज़ आ रही है। ओस गिर के ये सीट पूरी गीली हो गई है बाइक की, ये सब ओस गिरी हुई है, चमक रहा है। 5 बजे चाय की दुकानें खुल गई हैं और ये है आसमान, चांदनी रात है। अभी हमने डिसाइड किया कि हम लोग चाय पी के जाएंगे गरम गरम। यहाँ से धारचूला 28 किलोमीटर दूर है। ज्वाला जीवी से धारचूला जाते समय पूरा कोहरा लगा हुआ है, सुबह सुबह एकदम कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम लोग कोई तो गांव में हैं, बीच में लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं गांव वाले और कोहरा लगा हुआ है, मौसम आज थोड़ा बादल है, आसपास का नज़ारा, ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी। जौल जीवी में उतनी ठंड नहीं थी, लगभग चंपावत से भी गर्मी थी। और ये नदी है और ये महाकाली नदी, उस तरफ नेपाल है, फाइनली हम लोग। सो हम लोग धारचूला में हैं, ये इंडिया का धारचूला है, वो नेपाल का धारचूला है। और ये है आसपास का नज़ारा, पहाड़ सुबह सुबह। ये बीच में नदी बह रही है, फोग है सुबह सुबह थोड़ा सा, बहुत प्यारा लग रहा है। नदी की आवाज़ यहीं तक आ रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी सुबह का 7:17 हो रहा है, हम लोग हैं अभी नेपाल में, इंतज़ार कर रहे हैं टैक्सी का। और ये नदी है महाकाली जो हमारे पीछे बह रही है, हिमालय से आ रही है। यहाँ पर आएगी टैक्सी हिकला पुल के लिए और वो पुल से हम लोग अभी आए थे, इंडिया नेपाल का पुल है। और ये है इंडिया सामने, महाकाली नदी के सामने इंडिया है। धूप आ गई है उधर को, इंडिया को नेपाल में अभी तक नहीं आई, ये है नेपाल। ये सर ने चने बनाए हैं, हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, चने और अंडे, बॉयल अंडे, गरम अंडे, गरम अंडे। अब ये है नेपाल की आर्मी जो कि परेड कर रही है सुबह सुबह। ये चने हैं और बॉयल अंडे, बॉयल अंडों को भाई साहब ने प्याज के छिलकों के साथ बॉयल किया है, इसमें टोप में, इसमें कलर ऐसा आ जाता है, सफ़ेद अंडों ऐसे हो जाते हैं करके, और फूटते भी नहीं हैं। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, पूरन वेट कर रहा है चने। नेपाल में नाश्ता कर रहे हैं सुबह सुबह 7 बजे, बहुत टेस्टी है। सर आपने ये जो भांग की चटनी बनाई है ना, जबरदस्त है, कैसे बनाई है? बहुत अच्छी है। भांग की नहीं, ये हाँ तिल की, तिल की चटनी। कौन सा, सफ़ेद तिल है काला? सफ़ेद तिल डाला है, नींबू डाला है, नमक डाला है, और क्या डाला? मिर्च, मिर्च और मिर्च नहीं है। अच्छा ये याक, नेपाल में याक में सामान ढो रहे हैं। तो अभी हम लोग ने नाश्ता किया और चाय पिया तो हमारा बिल हुआ 115 इंडियन रुपीस। अभी मैं इन सर को 500 का इंडियन नोट दे रहा हूँ और सर मेरे को
615 नेपाली रुपीज वापस कर रहे हैं। तो नेपाली रुपीज, इंडियन रुपीज 100 रुपया, नेपाली रुपीज 160। यह नेपाल का दारचूला, नेपाली दारचूला। तो हम लोग यहाँ पर इंडिया से दारचूला नेपाल में 7:30 बजे आ गए थे, अभी 10:15 बज गया, फाइनली एक टैक्सी मिली है। तो आज यहाँ पर इलेक्शन है नेपाल में, 2 दिन बाद सारी गाड़ियाँ वहाँ पर लगी हैं सर। तो अभी नेपाल में टैक्सी में हम लोग जा रहे हैं बिकला पुल के लिए, 2-2.5 घंटे लगेंगे कह रहे हैं, रोड काफ़ी ख़राब है। और ये है इंडिया, सड़क काली नदी के किनारे किनारे। और वो है पार इंडिया, वो पूरा हमारा इंडिया है। ये है छोटे छोटे गांव नेपाल के, ये सड़क है, ये सड़क से अभी हम लोग जाएंगे। ऑफ रोडिंग बिल्कुल रोड नहीं है, खाली ऐसे ही चला रहे हैं। पार इंडिया है और मैं नेपाल में हूँ अभी, वो सब इंडिया की रूट है। ये वाला गांव नेपाल है, वो गांव इंडिया है। अरे बहुत खतरनाक ऑफ रोडिंग है, ये सड़क है जिससे हम लोग जाने वाले हैं। ये यहाँ पर शायद सबसे अच्छी सड़क है। काली नदी वो साफ इंडिया पार, वो सारे गांव इंडिया के गांव हैं ऊपर। ये नेपाल के गांव, वो इंडिया के गांव। वाह, ये बॉर्डर बीच में काली नदी। अभी टॉप में पहुंच गए हम लोग लगभग, अभी दूर हिमालय भी दिखने लगा है। एक बजने वाला है दोपहर का, लगभग 11 बजे 11:15 बजे हम लोग निकले थे नीचे से। 1.5-2 घंटे का ऑफ रोडिंग ट्रेवल, वन ऑफ द मोस्ट डेंजर रोड मैंने जिसमें ट्रेवल किया। जगह जगह इतनी फट रही थी, लग रहा था नीचे काली नदी में पहुंच जाएंगे। और अभी हम लोग हैं फाइनली नेपाल में। ये ब्रिज है कलगाड़ का पुल, बहुत बड़ा है ना? बहुत अच्छा। यहाँ ये पुल देखने के लिए लोग आते हैं? सब कच्चा होना करना है, बहुत आते हैं। बहुत आए। अच्छा, हम लोग भी ये पुल देखने के लिए आए हैं। हम लोग भी ये पुल देखने आए, काफी लंबा पुल है ये, बहुत लंबा पुल। अच्छा, ये वो सामने हिकला है। हिकला, ओके। और वो उसके ऊपर तो अच्छा बीड़ हिकला, ओके। ये मेरे पीछे है नेपाल का फेमस हिकला पुल, हिकला ब्रिज, हैंगिंग पुल, सेकंड लार्जेस्ट नेपाली हैंगिंग ब्रिज। ये देखने के लिए स्पेशली हम लोग आए धारचूला से, करीब 15
15-20 किलोमीटर होगा बाय रोड, बट रोड बहुत खतरनाक है। चलते हैं हैंगिंग पुल पे। ये है हिकला पुल, फेमस। वाओ कितना लंबा दिख रहा है वो दूर तक, और ये दो पहाड़ों को जोड़ रहा है, बहुत शानदार, अमेजिंग। वो हिकला गांव है दूर, आग जला ये किसी ने, शायद वो इंडिया के गांव है वो साइड में, क्योंकि वो नदी के पार है वो साइड वाला पहाड़, और ये सब नेपाल है। ओह अमेजिंग, मौसम भी काफ़ी साफ है, ड्रोन रहता तो और मज़ा आता है। ये हिकला पुल फिर भी जलते हैं। बहुत ज्यादा नीचे है, बहुत डर लग रहा है, बहुत काफी डरावना है, स्केरी है। नीचे नीचे देख के चलने को नहीं हो रहा है, नीचे देख के चलने में तो बहुत डर लग रही है, पाप रे कैसे पार पहुंचेंगे, और ये हिल रहा है, हाँ? बहुत नीचे है, खाई है नीचे, एकदम नीचे ये, और ये पूरन जा रहा है पहले, मेरे को तो डर लग रहा है बट पूरन चल रहा है, मेरे को तो नीचे देखने में बहुत डर लग रही है। अभी हिल रहा है पुल, हिल भी रहा है, ओ मैं तो नीचे देख नहीं रहा हूँ, नीचे को डर लग रही है, बहुत डर लग रहा है ये पुल में जाने में, हिल रहा है, अभी पूरन चल रहा है तो हिल रहा है, मेरी तो फट रही है नीचे जाने में बहुत ज़्यादा, आगे को जाने में ये हिल रहा है, काफ़ी हिल रहा है, और नीचे बहुत गहरी खाई है, इसलिए ज़्यादा डर लग रही है। अभी मैं मोबाइल रख देता हूँ, नीचे देखने में, और हिल भी रहा है बहुत नीचे, देखने में तो बहुत डर लग रहा है, नीचे नहीं देख रहा हूँ जब भी चल रहा हूँ तो। अभी ये पूरन आ रहा है, मैं बीच में पहुँच गया हूँ, पुल काफ़ी हिल रहा है, डर लग रही है, और ये है आसपास का नज़ारा, नीचे एकदम खाई है, डर लग रहा है मोबाइल को नीचे करने में भी, गिरेगा करके, ये बहुत नीचे है, बहुत नीचे है ये, और ये नीचे लोग भी रहते हैं उतना नीचे, काफ़ी दूर, और ये है साइड में गांव है नेपाल के, हिल रहा है, हम लोग दोनों खड़े हैं फिर भी पुल हिल रहा है, और कोई नहीं है पुल में, हम दोनों ही हैं, आधे से भी ज़्यादा आगे हैं हम लोग, आधे के आसपास आगे हैं, अभी भी पुल बहुत लंबा दिख रहा है। ये अलग ही एक्सपीरियंस है, डिफरेंट, ये मोटे मोटे लोहे के रस्सों से बांधा हुआ है पुल को, साइड से खींच के, वो नीचे गाढ़ बह रही है, ये हमारी छाया है, ये है आसपास का नज़ारा। फाइनली हम लोग ब्रिज के दूसरी साइड आ गए हैं, अभी बहुत लंबा है पुल, बीच में हिलता है, मोबाइल हमने जेब में डाल लिया था, नीचे गिरेगा तो मोबाइल का कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए बहुत लंबा है, लेकिन मज़ा आ गया, वर्थ है ये एक्सपीरियंस करना। वो लोग आ रहे हैं, बहुत छोटे लोग दिख रहे हैं ब्रिज में जो आ रहे हैं, बहुत ही छोटे, ये भाई साहब बता रहे हैं कि 370 मीटर लंबा पुल है, 370 मीटर लंबा पुल, एक साल हो गया अभी तक इसको बन के, नया पुल है, ये थोड़ा सा डाउन है, फिर बीच में हिलता है, अभी भी हिल रहा है पुल, और फिर
ऊपर को चढ़ाई है पुल में, ये अभी चढ़ रही है। ये पुल हृदय आया हो ये इलाई इसको देखने के लिए। हाँ नीचे पुल को पूरा बांध के रखा हुआ है, ऐसे बनाया है। अभी वापस दूसरी तरफ को जा रहे हैं जहाँ से आए थे। ये हिकला पुल पे हम लोग चाउमीन खा रहे हैं 50 रुपये का। 370 मीटर लंबा सेकंड लार्जेस्ट हैंगिंग पुल है नेपाल का। अगर यहाँ आना हो तो धारचूला से 15-16 किलोमीटर है, ऑफ रोड है, बहुत ख़तरनाक रोड है। लोकल टैक्सी मिलती है 300 रुपया नेपाली रुपया, 200 के लगभग इंडियन रुपीज में टिकट है। धारचूला से यहाँ आने के लिए करीब 2 घंटे का ड्राइव करना पड़ता है। और एक दिन लगभग पूरा लग जाता है। टैक्सियाँ मिल जाती हैं धारचूला, जैसे ही इंडिया के धारचूला से नेपाल के धारचूला में पैदल आओगे तो सामने टैक्सी खड़ी रहती है, टैक्सी स्टैंड है, मिल जाती है। नेपाल में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, इसके लिए प्रचार कर रहे हैं लोग, इलेक्शन का कैंपिंग चल रहा है ट्रेडिशनल तरीके से। बाय बाय हिंगला पुल, मिलेंगे फिर कभी तो नेक्स्ट टाइम। अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस था। तो अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ, धारचूला जा रहे हैं। अभी टैक्सी खड़ी है हमारी, जिसमें आए थे उसी में वापस जा रहे हैं। आवाज़ दे रहे हैं ऊपर से, बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया, देखना चाहिए हर किसी को। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।